रैपर रफ्तार की शादी के 6 साल बाद टूटने के कगार पर आ चुकी है। इसी के रिगार्डिंग आज हम चर्चा करेंगे। रैपर रफ्तार को उनके जबरदस्त गानों के लिए जाना जाता है। रोडीज में अपने कूल जज के रोल को निभाने वाले रैपर रफ्तार की जिंदगी में तूफान आ गया। खबर है कि रफ्तार अपनी 6 साल की शादी खत्म करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी के 6 सालों के बाद रफ्तार ने अपनी पत्नी कोमल वोहरा से तलाक की अर्जी डाली। हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्र के हवाले से बताया कि रफ्तार और कोमल ने अपने तलाक की अर्जी साल 2020 में डाली थी, लेकिन तलाक का सारा काम कोरोना काल की वजह से लेट हुआ। अब दोनों 6 अक्टूबर 2022 को तलाक के पेपर्स पर साइन करेंगे। रफ्तार और कोमल ने 2016 में शादी की थी, लेकिन अब दोनों साथ नहीं हैं। बताया जाता है कि रफ्तार और कोमल की लव स्टोरी की शुरुआत दोस्तों की वजह से हुई। दोनों के म्यूचुअल दोस्त ने उनकी पहचान करवाई थी। इसके बाद दोनों ने 5 सालों तक एक दूसरे को डेट किया और साल 2016 में शादी कर ली। शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रैपर रफ्तार ने लिखा था कि उन्होंने अपनी सोलमेट से शादी कर ली है।